inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle. 5 ka 5, cos A minus sin A plus 1 by cos A plus sin A minus 1 is equal to what? Cos A K plus cot A. Using identity, cos square A equal to 1 plus cot A square A. मतलब या cos A के square, real identity use करना है बोल के बोला है. ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, ध्यान दो, हमको चाहिए कोसेक और कोट. कैसे करना है, सिर्फ करने से मतलब नहीं, कैसे करेगा कैसे वो पहले ध्यान देना हम लोगों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. कैसे करें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैसे करें, समझ में आ रहा है ना? आप सुनो कैसे करें. हमको चाहिए कोट. कोट का कैसे आता है, कोट कैसे आता है, कोस बाय साइन. कोट कैसे आता है, कोस बाय साइन. कौन सा साइन से कोटे कोट आता है ना, आगे फाइन. और कोसेक कैसे, ये कोसेक कैसे आता है, वन बाई साइन. वेरी गुड, हमको कोट आता है कोस बाई साइन, ये आता है कोट. और कोसेक कैसे आता है, वन बाई साइन. इतना समझ में आ रहा है, इससे क्या आता है, कोसेक आता है. तो देखो क्या यहाँ पे कोसेक आने का और कोट आने का संभावना है. अगर हम कोट को साइन से डिवाइड करेगा तो कोट आ जाएगा, अगर हम वन को फिर से साइन से डिवाइड करेगा तो फिर से कोसेक आ जाएगा. तो मतलब हमको इतना आइडिया मालूम चल चुका है कि हमको क्या करना है, को साइन से डिवाइड करना है दोनों इक्वेशनों को. क्लियर हो गया इतना बात, साइन से डिवाइड करना है दोनों इक्वेशनों को. क्लियर, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं. ओके फाइन, लेट अस डिवाइड विद साइन. तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, ये पूरा को साइन से डिवाइड करता है. सिमिलरली ये को, इसको भी पूरा साइन से डिवाइड कर देता है, क्योंकि ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट इक्विवेलेंस, इज़ नॉट इट. सो साइन ए प्लस साइन ए माइनस वन बाय साइन ए, बट अल्टीमेटली व्हेन यू कैन कट आल्सो, इज़ नॉट इट. आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट अल्टीमेट रिजल्ट, सेम थिंग. सो नाउ लुक हियर एवरीबॉडी, गाइस एंड अटेंशन. सो दिस साइन ए बिलोंग टू होम, कोस ए और साइन ए, या थ्री ऑफ देम, नॉट बोथ, थ्री ऑफ देम. सो दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दैट, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए एन प्लस वन बाय साइन ए. एनी इशू? नो. नाउ लुक हियर, सिमिलरली कोस ए बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए. एनी प्रॉब्लम हियर? नो. नाउ लुक द नेक्स्ट स्टेप. सो कोस बाय साइन इज व्हाट, कोट. एनी प्रॉब्लम? नो. माइनस वन प्लस कोसेक ए, क्लियर. डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन इज व्हाट, कोट ए प्लस साइन साइन वन माइनस वन बाय साइन कोसेक ए, क्लियर. इतना तो क्लियर हो गया होगा ना. आप सुनो ध्यान से क्या करते हैं. तो क्या करते हैं कि अभी देखो नीचे में कैसे है कि कोट ए प्लस, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको वन माइनस कोसेक ए को एक अलग टर्म मान लेते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये और ये, और इसमें भी कोट ए माइनस को मान लेते हैं तो क्या होगा, वन माइनस कोसेक ए, क्लियर. आई हैव टेकन वन एज अ कॉमन, सो माइनस वन जा माइनस, माइनस माइनस है प्लस, क्लियर. सो व्हाट यू गेट, कोट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए एंड कोट ए वन प्लस कोसेक ए. नाउ वी विल ट्राई टू मेक द, मेक इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी. ऑल राइट, सो आई एम डूइंग व्हाट, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग द डिनोमीटर विद द नेगेटिव फैक्टर, और इसको सेम फैक्टर से हम इंटू करते हैं ताकि इसका स्क्वायर मिले. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम लोग, कोट ए माइनस वन माइनस कोसेक ऐसे इंटू करते हैं. अगर ऊपर में इंटू कर रहे हैं तो नीचे में करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट, कोट ए, कोट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए. आया समझ में? मतलब व्हेन यू कैंसिल आउट यू विल गेट वन, नो मैटर्स. ऑल राइट, ये तो समझ में आया होगा स्टेप. जो अभी देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो रहा है वाला है. ये यहाँ पे कोट ए क्या का काम कर रहा है, देखो तो ए, और यहाँ पे क्या का काम कर रहा है, बी. तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर. ये दो बार सेम सेम नहीं हो रहा है क्या? तो इसका स्क्वायर लिख सकता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो ये ए हो रहा है कि नहीं, और ये पूरा क्या हो रहा है, बी हो रहा है. ए प्लस बी
a minus b, then a square minus b square. I can write that form also. Clear na? So as a space limitation is there. So let me write in this part. Come on, look here, everybody. Come on, attention. I like little attention. So look here, a minus b whole square. That means a is what here? Cot a. Cot a minus 1 minus cosec a. Cosec a ki whole square divided by a square minus b square. What is a here? Cot square a. Cot square a. And minus b is what? 1 minus cosec a ki is whole square. Clear? So let me remove the bracket now. If I remove the bracket here, so cot a minus 1 ja minus 1, 1 minus minus plus cosec a ki whole square. What do you say? Clear? So now look here, next step. Cot square a, cot square a, cot square a minus, let me calculate this one, a minus b whole square. And we know a minus b whole square is what? A square plus b square minus 2ab. So let me do this one. A in the bracket, a square means 1 plus b square means what? Cosec square a minus 2ab, 2ab cosec a. Clear? Now this is in the form a minus b, a man lo a plus b plus c whole square. You know the formula? A plus b plus c whole square is what? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ica. Mila sana ye formula? Okay, now let us use that formula here. So come on, look here. Here is a, this one, na? A square. This is what? Cot square a. Now plus minus 1 square. Kitna hota hai? 1? 1. Plus cosec square. Cosec square a. Plus 2ab. 2ab, matlab 2 into cosec into 1, minus 1, kitna hoga? Minus? Cote. Minus cote, minus 2 cote, minus? 2 cote, samajh mein nahi aaya shayad? 2 into a into b, 2 into cosec kitna hota hai? 2 cosec, 2 cote, 2 cote, 2 cote into minus 1? Minus 2 cote, nahi samajh mein aaya, dekho. 2 into a yaha pe, b kya hai, minus 1. Dekho, 2 anja, 2, minus 2 cote, aaya samajh mein abhi? वही यहाँ पे a और यहाँ पे a भी नहीं है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं है ये देखो कहाँ पे था हाँ a a b ठीक है माइनस टू है बाद में क्या होगा फिर से माइनस 2 b c मतलब 2 b c 2 b c 2 into माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 cosec a फिर से प्लस 2 c a 2 c a व्हाट इज c a कहाँ पे था c a means 2 into cosec a into cot a समझ में आया ना ओके फाइन अभी देखो इसको अभी ये करता है देखो इधर देखो cot square a ब्रैकेट रिमूव माइनस प्लस है माइनस 1 माइनस प्लस है माइनस cosec square a माइनस माइनस है प्लस 2 cosec a cot square a 1 प्लस cot square a मींस व्हाट cosec square a ऑब्वियसली आई कैन यूज 1 प्लस cot square इज व्हाट हाँ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए आया समझ में प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोट ए माइनस टू कोट ए माइनस टू कोसेक ए प्लस टू कोसेक ए कोट ए डिवाइडेड बाय अभी देखो मुन्ना देख रहे मुन्ना इधर देख देखो देखो ये देखो कोट स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है अगर हम इसको 1 को भेज देंगे इधर पे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर है समझ में नहीं आया कोट स्क्वायर को अगर 1 को अगर इधर लेके देखो माइनस 1 निकलेगा क्या दैट मीन इन प्लेस ऑफ कोट स्क्वायर आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर माइनस 1 सो वही हम यूज कर रहे हैं यहां पे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसको जगह पे ये लिख दे क्लियर हो गया ओके कोट स्क्वायर है माइनस 1 फिर से ये फिर से अभी माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए समझ में आ रहा है ना कुछ माथा में गुजरा है कुछ ओके देखो अभी लास्ट क्लाइमेक्स पॉइंट एकदम आई नीड ए प्रॉपर अटेंशन पूरा ध्यान देखो इधर देखो देखो क्या हो रहा है कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर क्या होगा ट्वाइस कोसेक स्क्वायर है ट्वाइस कोसेक स्क्वायर बढ़िया क्लियर हो गया अब सुन ध्यान से सुन तो अभी क्या करते हैं हम इसको जस्ट मिलाते हैं इसको हम सामने लेके आते हैं माइनस 2 कोसेक ए कोट ए आया समझ में अभी देखो
अब फिर से इसको ये था प्लस कोसेक स्क्वायर ए और क्या बचा था माइनस टू कोटे, माइनस टू कोटे। आ रहा है समझ में? हाँ टू था ना इधर पे, हाँ रखो रखो यहाँ पे टू कोसेक स्क्वायर क्लियर हो गया, माइनस टू कोसेक के कोटे, बाद में क्या लिया हम कोसेक माइनस यह था क्या, ये नहीं है क्या, और ये तो प्लस हो गया था ना, ये तो प्लस हो गया था और क्या हो जाता, ये था हो जाता हाँ माइनस माइनस था, वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया अभी? अभी डिवाइडेड बाय लुक है, लुक है एवरीबडी, एवरीबडी लुक है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोसेक कट गया ना, ये समझ में आया? अभी देखो इधर पे, अभी क्या बचा था यहाँ पे टू कोसेक ए, माइनस वन क्या होगा, माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू आया समझ में इतना। अब देखो क्लाइमेक्स पॉइंट एकदम फाइनलाइज, एकदम अटेंशन, लुक हियर माय डियर, अभी देखो जादू क्या यहाँ पे हम क्या टू को कॉमन ले सकते हैं दोनों से, क्या यहाँ से हम टू को कॉमन ले सकते हैं, हाँ और कोसेक को भी तो कॉमन ले सकते हैं, मतलब टू और कोसेक है तो कॉमन ले सकता है दोनों टर्म से, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टू और कोसेक को कॉमन लेते हैं, अगर टू और कोसेक कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, हाँ एक कोसेक बचेगा, एक कोसेक ए बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा कोट ए बचेगा, कोट ए बचेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिमिलरली इधर पे क्या कॉमन ले सकता है, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता है बोलो तो, माइनस टू क्या कॉमन ले सकता है, माइनस टू, चलो लेते हैं माइनस टू कॉमन, अगर माइनस टू कॉमन लेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा इधर पे, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ तो मिलेगा आपको कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट ए, आया समझ में? कैसे देखो अगर हम टू को कॉमन लेगा तो क्या लेगा, टू कोसेक स्क्वायर जा टू माइनस टू कोसेक स्क्वायर, क्लियर हो गया, माइनस है प्लस है माइनस, अभी कोट ए टू जा कोट ए, क्लियर हो गया, हाँ कोसेक था ना, हाँ अभी क्लियर हो गया, अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, तो डिवाइडेड बाय अभी ये नीचे में क्या था टू टू कोसेक है माइनस टू, अभी देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या, ये दोनों को एक बार लिखिया, ये दोनों को एक साथ लिखिया, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीखा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाँ सुनो ध्यान से कीप कर, हाँ यहाँ पे माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा, क्लियर हो गया अभी? अभी देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या, तो ये दोनों को हम एक टर्म लिखिया और ये और इसको एक बार लिखिया, समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से ना, अभी देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अभी क्या होगा कि इसको और इसको जोड़ देगा तो क्या होगा, देखो इधर पे टू कोसेक माइनस टू एक बार लिख लिया और यहाँ पे लिखा है हम, यहाँ पे लिखा है हम कोसेक ए, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे प्लस होगा, सेकेंड में भी प्लस होगा, हाँ यहाँ पे प्लस होगा, हाँ अभी देखो तो कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय क्या था टू कोसेक ए माइनस टू, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो टू कोसेक ए कोसेक ए माइनस टू ये भी कर सकते कि नहीं, क्या बच गया हमको पास कोसेक ए प्लस कोट ए, वो चाहिए था ना हम लोगों को, Oh, yes. ये मिल गया।